कपिल शर्मा और द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन को लेकर हुए विवाद के बीच अब अर्चना पूरन सिंह ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। पिछले दिनों विवेक अग्नोत्री, अनुपम खेर और कपिल शर्मा के बीच जमकर विवाद हुआ था। विवेक अग्नोत्री ने आरोप लगाया था कि उनकी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं था, इसलिए कपिल ने उन्हें अपने शो में नहीं बुलाया। तब कपिल ने इसे आधा सच बताया था। उसी विवाद के बीच अनुपम खेर ने एक और बयान दिया था, जिसकी आधी अधूरी क्लिप काटकर कपिल ने शेयर कर दी थी और उसी के आधार पर खुद को निर्दोष बता दिया था। कपिल की उसी आधी अधूरी क्लिप को अर्चना पूरन सिंह ने भी शेयर किया था और अनुपम खेर को सच बताने के लिए धन्यवाद कहा था। हालांकि बाद में अनुपम खेर ने कपिल से ही सवाल पूछ लिया था कि उन्होंने पूरी क्लिप शेयर करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। उसके बाद से कपिल शर्मा इस मामले पर पूरी तरह से शांत बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच अर्चना पूरन सिंह ने पहली बार इस विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक जब अर्चना पूरन सिंह से पूछा गया कि क्या अब द कश्मीर फाइल्स को कपिल शर्मा शो पर प्रमोट करने का मौका मिलना चाहिए, इस पर अर्चना ने जो जवाब दिया वो काफी हैरान कर देने वाला था। अर्चना पहले कुछ सेकंड तक चुप्पे साधे रहीं और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहती, नो कमेंट्स। अर्चना और अनुपम खेर बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। दोनों ने कुछ कुछ होता है और मोहब्बतें जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग रही है, लेकिन इस विवाद के बाद से सब कुछ बदल गया है। शायद आपको याद ना हो, लेकिन कपिल शर्मा वही हैं जो अनुपम खेर को अपना गुरु तक बता चुके हैं। एक एपिसोड में कपिल ने कहा था कि दुनिया पूछती है कि कॉमेडी में मेरा गुरु कौन है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वो अनुपम खेर हैं। लेकिन इस विवाद के बाद अनुपम खेर, कपिल शर्मा और अर्चना के रिश्तों में बड़ी दरार आ चुकी है। फिलहाल अर्चना के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।